Hello students, welcome to Unacademy Studios Vector. Myself Sanjay Rathi, XIES. इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ. अब हमारी टीम में आ चुके हैं अजीत तिवारी सर फॉर जनरल स्टडीज, मुदित राज सर फॉर मैकेनिकल ब्रांच. ओके, देन इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बटरवर्थ एक्टिव फिल्टर, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर. दिस फिल्टर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था अबाउट हाई पास आरसी सर्किट एंड लो पास आरसी सर्किट. दोज फिल्टर्स आर व्हाट? पैसिव फिल्टर्स. ओके, अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है एक्टिव फिल्टर्स. तो हम पहले देखेंगे पैसिव फिल्टर्स की प्रॉब्लम क्या है, राइट? उसके बाद हम देखेंगे एक्टिव फिल्टर्स उसे कैसे शॉर्ट आउट कर रहा है. और एक वोल्टेज फॉलोअर का एप्लीकेशन होता है, दैट इज इट इज यूज्ड इन डिजाइनिंग ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बटरवर्थ फिल्टर. तो हम वोल्टेज फॉलोअर का कैसे यूज कर रहे हैं और क्यों यूज कर रहे हैं दोनों समझेंगे. साथ में हम समझेंगे लोडिंग इफेक्ट, राइट? दिस टॉपिक आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कमिंग एग्जाम्स लाइक इंजीनियरिंग सर्विसेज प्री, गेट एंड ईएससी मेंस. तो आप बने रहिएगा लास्ट तक और देखिएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट मी, आई हैव क्वालिफाइड इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम 3 times इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन एंड आई एम हैविंग 18 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक इंजीनियरिंग सर्विसेज, गेट एंड पीएसयूज. ओके, एंड यू कैन फॉलो मी ऑन unacademy.com एट द रेट ऑफ संजय के आर राठी 27, जिसका लिंक यहाँ नीचे दिया हुआ है. अब मेरी क्लासेस अवेलेबल हैं अनअकैडमी प्लस पर. आप वहाँ मेरे रेगुलर कोर्सेज कर सकते हैं फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज एज वेल एज गेट के लिए. देन व्हाई अनअकैडमी प्लस? यस, फॉर वन सब्सक्रिप्शन, दैट इज द ईएसई, अनलिमिटेड एक्सेस है. मीन्स आप सभी सब्जेक्ट कर सकते हैं, जनरल स्टडीज की क्लासेस, मैथ्स, एप्टीट्यूड, टिप्स एंड ट्रिक्स टू इंक्रीज योर स्कोर. ये टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगी फ्रॉम क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस फैकल्टीज, टेस्ट सीरीज बाय द टॉप एडुकेटर्स, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस, डाउनलोडेबल सेशन वीडियोज एंड पीडीएफ, और सबसे इंपॉर्टेंट है रियल टाइम इंटरेक्शन विद द एडुकेटर्स. आप ड्यूरिंग लाइव सेशन टीचर के साथ चैट कर सकते हैं, अपने डाउट पूछ सकते हैं. ओके, तो जैसा ऑफलाइन क्लास आप एक्सपीरियंस करते हो वैसा ही यहाँ भी होगा. अगर आप प्लान कर रहे हैं अनअकैडमी प्लस सब्सक्राइब करने का, तो कोड यूज कीजिए राठी लाइव एंड गेट द 10% डिस्काउंट. आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज अनअकैडमी माई स्टूडियोज वैक्टर. ओके, इस टेलीग्राम चैनल में आपको मिलेंगे नोटिफिकेशन अबाउट न्यू वीडियोज ऑन यूट्यूब, स्पेशल क्लासेस ऑन प्लस, राइट, एंड स्पेशल क्लासेस ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म. ये हैं फैकल्टी मेंबर्स जो ऑलरेडी अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर हैं. इन फैकल्टीज को आप लाइव एक्सपीरियंस कर सकते हो थ्रू स्पेशल क्लासेस. दीज क्लासेस आर डेमो क्लासेस. नाउ इट इज द इजिएस्ट वे टू लर्न इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम ऑनलाइन. अब जो उन वो बच्चे हैं जो सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या फाइनल ईयर से तैयारी करना चाहते हैं, या ऐसे स्टूडेंट्स जो मेट्रो में नहीं आ सकते, वो अब अपने घर बैठकर भी इसकी तैयारी कर सकते हैं. अगर आप इसे लैपटॉप पर वॉच कर रहे हैं तो यहाँ देखिए, आपको यहाँ कंटेंट दिखाई देगा, यहाँ एडुकेटर है, और यहाँ जैसा कि मैंने पहले बताया आप लाइव चैट कर सकते हैं, इंटरैक्टिव पोल्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. लर्न एनी टाइम एंड एनी वेयर. दिस ईएसई सब्सक्रिप्शन इज अवेलेबल फॉर 1 month, 3 months, 6 months, 12 months एंड 24 months. ओके, जो 2 years के लिए प्लान कर रहा है, जैसे कि सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स या थर्ड ईयर, तो उनके लिए मैं रिकमेंड करूँगा 24 months का प्लान है ये. अगेन यूज माई कोड राठी लाइव एंड गेट द 10% डिस्काउंट. फॉर 1 year इट इज अराउंड 25,000. अगेन यूज माई कोड राठी लाइव एंड गेट द 10% डिस्काउंट. अगर आप इसे मोबाइल पर देखना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्टॉल कीजिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप.
और वहां सब्सक्राइब कीजिए ESE, दैट इज इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम। यहां होगा आपका कंप्लीट सिलेबस फॉर गेट, जनरल स्टडीज के 10 सब्जेक्ट्स, मैथ, एप्टीट्यूड एंड ऑल अदर टेक्निकल सब्जेक्ट्स, राइट, जो कि गेट के सिलेबस में नहीं है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में 6 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो गेट के सिलेबस में नहीं है, तो ये कंप्लीट कोर्स होगा ESE सब्सक्रिप्शन पे। अगेन फी स्ट्रक्चर इज सेम, फ्लेक्सिबल शेड्यूल है, वन मंथ, 3 months, 6 months, 12 months एंड व्हाट 24 months। अगेन यूज माई कोड राठी लाइव एंड गेट द 10% डिस्काउंट। यस, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर, दैट इज एक्टिव फिल्टर्स और फर्स्ट ऑर्डर बटरवर्थ फिल्टर, सेकेंड ऑर्डर बटरवर्थ फिल्टर, इसमें हम बनाएंगे लो पास फिल्टर एंड व्हाट हाई पास फिल्टर, और हम देखेंगे जो पैसिव फिल्टर हैं उसकी लिमिटेशन क्या है और क्यों हमें फर्स्ट ऑर्डर बटरवर्थ एंड सेकेंड ऑर्डर बटरवर्थ फिल्टर समझना चाहिए। ओके, देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लिमिटेशन, लिमिटेशन ऑफ पैसिव फिल्टर, पैसिव फिल्टर, ये हो गई हेडिंग। अब हम समझते हैं क्या क्या है लिमिटेशन। तो फर्स्ट देखिए, अगर हम एक पैसिव फिल्टर इसे यूज करते हैं RC, दिस इज द V नॉट, दिस इज द VI, दिस इज द C, पैसिव एलिमेंट्स लगे हुए हैं R एंड C, यहां कोई एक्टिव एलिमेंट्स नहीं है, ऑप एम्प नहीं है, ट्रांजिस्टर नहीं है, कोई भी एक्टिव एलिमेंट्स नहीं है, तो आप इसका गेन जो निकालते हो वो होता है वी नॉट बाई वी आई, दैट इज नथिंग बट आर अपॉन आर प्लस वन बाई SC। आर से डिवाइड कर दीजिए तो ए हो जाता है वन अपॉन वन प्लस वन बाई SCR। एस की जगह रख दीजिए जे ओमेगा, वन माइनस जे बाई ओमेगा RC। ये सब मैंने इसके पहले के वीडियोस में आपको बताया है, बस हम लोग रिवाइज कर रहे हैं फटाफट। तो व्हाट इज द मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू वन बाई रूट ओवर वन प्लस वन बाई ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर सी स्क्वायर। व्हाट इज द फेज ऑफ दिस, माइनस टेन इनवर्स वन बाई ओमेगा RC। अब सॉरी प्लस है माइनस है तो ऊपर आते आते प्लस हो जाएगा, इट इज कॉल्ड लीडिंग सर्किट, लीडिंग सर्किट, ठीक है ना, हाई पास RC सर्किट है, दिस इज नथिंग बट हाई पास RC सर्किट। ये हाई पास फिल्टर है, पैसिव फिल्टर है क्योंकि एक्टिव एलिमेंट नहीं है। अब पॉइंट देखिए, इसका जो गेन है वो कहीं ना कहीं R पर डिपेंड है, फेस R पर डिपेंड है। तो दो बातें होंगी, एक पहला, अगर आप ओमेगा को इनफाइनाइट ले ले, मान लीजिए जो मैक्सिमम वैल्यू ले ले, तो गेन जो मैक्सिमम पॉसिबल है वो गेन कितना मैक्सिमम पॉसिबल है। अगर आपने ओमेगा इनफाइनाइट लिया तो ए विल रीच टू व्हाट ए मैक्सिमम, एंड व्हाट इज द ए मैक्स, दैट इज नथिंग बट वन। यस, यहां पे रखिए इनफाइनाइट जीरो हो जाएगा और वन आएगा। तो किसी भी पैसिव फिल्टर में जो मैक्सिमम गेन पॉसिबल है वो वन है। इसका मतलब अगर आप ओमेगा को कम करते जाओगे तो गेन कम होता जाएगा। इसका मतलब है ए इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू व्हाट वन, इससे ज्यादा आपको गेन नहीं मिलेगा, पहला। दूसरी बात, अगर आपने लोड लगाया, यहां ध्यान दीजिएगा, यहां ये कैपेसिटर, ये रजिस्टर, यहां आपको आउटपुट मिल रहा है, यहां आपने इनपुट दिया, ये सी है, ये प्लस है, ये माइनस, यहां आ गया आर। अब एक बात बताइए, ये तो हो गया फिल्टर, अब इसे आप देखने के लिए तो बना नहीं रहे हो, सिग्नल को पास करेगा तो इस सिग्नल को किसी ना किसी लोड के अक्रॉस तो हम लगाएंगे ना, तो हम यहां लगाते हैं एक लोड RL, भाई इसी के अक्रॉस तो एक्चुअल आउटपुट चाहिए। अब हमने सोचा फिल्टर ने अपना काम कर लिया, जो सिग्नल था आउटपुट आ गया, इस आउटपुट को अब हम लगा सकते हैं लोड के अक्रॉस। लेकिन जैसे ही आप इस लोड को लगाओगे तो क्या होगा, देखिए इफेक्टिवली ये RL इस R के पैरेलल आ जाएगा और एक नया RL बन जाएगा। व्हाट इज द RL, R पैरेलल विद RL एंड दिस इज लेस देन व्हाट R। इसका मतलब इफेक्टिवली R की वैल्यू कम हो गई,
भाई कोई भी रजिस्टर अगर पैरेलल में आएगा तो डेफिनेटली ओवरऑल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, कम होती है, नेटवर्क में हम लोग पढ़ते हैं। तो जैसे ही आर की वैल्यू कम हुई, इसका मतलब इस फॉर्मूले में ये आर की जगह आर डैस आएगा और आर डैस लेस देन आर है। तो जैसे ही आर डैस कम हुआ, व्हाट इज द मॉड ऑफ ए, कम हो जाएगा। मतलब देखिए, जो हमें गेन मिल रहा था वो गेन कम हो गया, एक तो पहले ही वन से कम है और कम हो गया। उसके बाद दूसरी बात, यहाँ जैसे ही हमने आर की वैल्यू देख रहे हो, आर एल लगते ही ओवरऑल आर डैस चेंज हो गया और यहाँ आ जाएगा आर डैस। आर डैस आर से छोटा है तो आपका फेस भी क्या हो गया, बढ़ गया। तो फेस चेंज आइडियली जीरो होना चाहिए, फेस चेंज इंक्रीज हो गया, ये भी एक प्रॉब्लम है, राइट। अब गेन कम हो गया, फेस बढ़ गया, इज इट क्लियर। सबसे बड़ी बात, व्हाट इज द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, एफ सी, जिसको बोलते हैं 3 dB कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। दिस इज नथिंग बट 1/2 πRC। अब नई कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गई एफ डैश 1/2 πRC। बताओ, सिंस आर डैश इज लेस देन आर, तो व्हाट इज द एफ सी डैश, ग्रेटर देन एफ सी, डिनोमिनेटर में है ना। तो भाई ओवरऑल आर की वैल्यू कम हो गई, तो इस डायग्राम की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी थी 1/2 πRC और ये बढ़कर हो गई अब 1/2 πRC। क्या हुआ इससे, अब देखते हैं हम। ये था पहले डायग्राम, यस। अब ये वन है, गेन वन। पहले डायग्राम ऐसा जा रहा था, अब जैसे ही आपने लोड लगाया, लोड लगाते ही ये डायग्राम थोड़ा ऐसा हो गया, इज इट क्लियर। अगर यहां अब बात करते हो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की, इसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी यहां आ गई, इसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी यहां आ गई, तो पहले कट ऑफ फ्रीक्वेंसी थी एफ सी, अब हो गई एफ सी डैश। तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, गेन थोड़ा रिड्यूस कर गया, पूरा फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स चेंज हो रहा है, इज इट क्लियर। और अगर फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स चेंज हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड लोडिंग इफेक्ट। व्हाट इज दिस लोडिंग इफेक्ट, मतलब ये सर्किट में जैसे ही आपने लोड लगाया, इसने पूरे सर्किट को अफेक्ट कर दिया। ये आर इसके पैरेलल में आया, इसने इसका मैग्नीट्यूड ऑफ गेन चेंज कर दिया, फेस चेंज कर दिया, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी तक चेंज कर दी। अब जब कट ऑफ फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी, तो देखिए, अगर मैं पहले बोलता हूं कट ऑफ फ्रीक्वेंसी थी 20 Hz, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, इफ एफ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ सी, सिग्नल विल पास, सिग्नल विल पास, मीन्स दैट इज द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। उतना या उससे ऊपर अगर फ्रीक्वेंसी आ रही है तो उसे पास करना है, मतलब 20 Hz के हर सिग्नल को पास करना है। लेकिन जैसे ही अगर एफ सी, मान लीजिए इसके कारण 200 Hz हो गया, 200 Hz हो गई, यस, बिकॉज आर कम हुआ ना, लोडिंग इफेक्ट हुआ तो आर कम हुआ, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। अब बताइए अब क्या होगा, इफ एफ इज ग्रेटर देन एफ सी डैश, देन सिग्नल विल पास, सिग्नल विल पास। लेकिन हमने तो डिजाइन किसके लिए किया था, सिग्नल 20 Hz या उससे ऊपर है तो उसे पास कर देना, यहां पर आपने डिजाइन किया था। लेकिन जैसे ही लोड लगाया तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आपकी 20 Hz से कहां शिफ्ट हो गई, 200 Hz। तो बताइए 20 से लेकर 200 के बीच वाले सिग्नल का क्या होगा, तो गायब हो जाएंगे, सप्रेस कर दिया जाएगा, और वहीं से इंट्रोड्यूस होता है डिस्टॉर्शन, राइट। क्या इंट्रोड्यूस हो गया, डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन का मतलब है द शेप ऑफ आउटपुट इज नॉट सिमिलर टू शेप ऑफ इनपुट, देयर इज नो फेथफुल रिप्रोडक्शन ऑफ द सिग्नल, राइट। अगेन ये सब किसके कारण हो गया, बिकॉज ऑफ दैट लोडिंग इफेक्ट। जो गेन कम हो रहा है ना, उसको तो आप फिर भी कवर कर लोगे, मान लो एम्पलीफायर लगाकर, लेकिन एक बार अगर सिग्नल ही डिस्टॉर्ट हो गया, उसका फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ही कट गया, नाउ इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, ओके। तो ये सब प्रॉब्लम है, जैसे हाई पास परेशान होता है वैसे ही लो पास में भी लोडिंग इफेक्ट आएगा। अब मुझे इसे लोडिंग इफेक्ट से बचाना है, तो हम क्या करने वाले हैं वो देखिए। अब हम पढ़ेंगे बटरवर्थ फिल्टर, और बटरवर्थ फिल्टर में यूज होता है वोल्टेज फॉलोवर।
तो पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ वोल्टेज फॉलोअर, तो ये था इसकी लिमिटेशन। अब है नेक्स्ट ये इसमें, ओके देन ये हो गया इसके बारे में। अब हम देखते हैं वोल्टेज फॉलोअर, वोल्टेज फॉलोअर इज नथिंग बट अ नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। वी नॉट वी एस प्लस एंड माइनस, ये है वोल्टेज फॉलोअर। यहां है पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, दिस इज द वी पी, दिस इज द वी एन, जीरो आइडियल ऑप एम, तो आइडियल ऑप एम का गेन कितना हुआ इनफाइनाइट, देयर फोर वी पी इज इक्वल टू वी एन। अब देखिए वी नॉट किसके बराबर है, वी नॉट इज इक्वल टू वी एन, वी एन किसके बराबर है वी पी, और वी पी किसके बराबर है वी एस। यहां देखिए वी एस लगा हुआ है, इसका मतलब आपको पता चल रहा है कि वी नॉट इज एग्जैक्टली इक्वल टू वॉट वी एस। अब इसकी पॉइंट समझते जाना प्रॉपर्टी, वी नॉट जब वी एस के बराबर है तो वॉट इज द गेन, दैट इज कॉल्ड ए वी एस। V naught by Vs, that is 1. What is the mod of gain? Exactly 1. What is the phase shift of gain? 1 0 degree. That's why this is a non-inverting operational amplifier. इसके बारे में मैंने पूरा डिटेल में बताया है, जिस जिन जिन लोगों ने स्टार्टिंग से वीडियो नहीं देखा है और डायरेक्ट इस वीडियो से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं, 12 वीडियोस आ चुके हैं एनालॉग पर, जिस पर मैंने पूरा डिटेल में बताया है इन्वर्टिंग ऑप एम्प, नॉन इन्वर्टिंग, एग्जैक्ट एनालिसिस, अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस क्यों होता है, वर्चुअल शॉर्ट कब यूज़ किया जाता है, कब यूज़ नहीं किया जाता, ओके तो आप वहाँ सब देख सकते हैं, पूरा डिटेल में है। उसके बाद ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और जिसके बेसिक कंसेप्ट क्लियर है आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए फेस शिफ्ट जीरो है, आउटपुट फॉलो द इनपुट, वाई बिकॉज गेन इज वन एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वोल्टेज फॉलोअर, मीन्स आउटपुट वोल्टेज फॉलो द इनपुट वोल्टेज। अब इसकी और खास बात क्या है, चलिए गेन तो एग्जैक्टली वन है, फेस शिफ्ट जीरो है, मतलब यहाँ जो भी आप सिग्नल लगाओगे एज इट इज पास हो जाएगा। तो भाई पास ही हो रहा है तो क्या करना है, यस। अब क्या होता है, जो भी आप यहाँ पर बैटरी लगा रहे हो ना उससे इनपुट रेजिस्टेंस कितना दिखाई दे रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका ये है। तो यहाँ इसे इनपुट रेजिस्टेंस कितना दिखाई दे रहा है, तो आप जब देखोगे यहाँ का इनपुट रेजिस्टेंस तो बताइए व्हाट इज द इनपुट रेजिस्टेंस सीन बाय वीएस, इनपुट रेजिस्टेंस सीन बाय वीएस, इनपुट रेजिस्टेंस सीन बाय वीएस है आर आई एस, चलिए मैं आर आई एस कर देता हूं, इज इक्वल टू वीएस बाय आई। भाई होता है इनपुट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, बैटरी वैल्यू ऑफ बैटरी डिवाइडेड बाय करंट गिवन बाय बैटरी, व्हाट इज द करंट गिवन बाय द बैटरी, जीरो। ऑप एम्प के अंदर कोई करंट नहीं जाता तो व्हाट इज द रेजिस्टेंस इन इनफाइनाइट, तो इस टर्मिनल पर इसे इनफाइनाइट रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है आइडियली, ठीक है ना। प्रैक्टिकल बातें अभी हम एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं इसलिए उतना ज़्यादा हम प्रैक्टिकली डिटेल में नहीं जा रहे हैं, हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है 2020 गेट 2020 एंड ESE प्री 2020। तो इसका इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट आ गया, इसके अंदर कोई करंट नहीं जाता, इसका मतलब ये बैटरी का वोल्टेज एज इट इज यहां ट्रांसफर हो गया लेकिन इस बैटरी को कोई भी करंट देने की जरूरत नहीं है, इट एक्ट्स लाइक अ बफर। बफर का मतलब है जो इस पर लोडिंग इफेक्ट नहीं डालता, इस बैटरी को कोई भी करंट देने की जरूरत नहीं है, द करंट गिवन बाय दिस बैटरी जीरो, लेकिन ये वोल्टेज एज इट इज आगे ट्रांसफर हो गया है, ओके तो अब देखते हैं हम इस वोल्टेज फॉलोअर का यूज करके कैसे बनाते हैं फर्स्ट ऑर्डर बटरवर्थ फिल्टर। तो देखिए बटरवर्थ फिल्टर में अब है हमारे पास ये सर्किट, हम लिखेंगे फर्स्ट ऑर्डर बटरवर्थ फिल्टर, यस। अब इस फर्स्ट ऑर्डर बटरवर्थ फिल्टर में देखिए हमारे पास जो हाई पास फिल्टर था पहले ऐसा था, दिस इज आर, दिस इज सी, दिस इज वी एस। इसमें क्या प्रॉब्लम थी, लोडिंग इफेक्ट, जैसे ही आप आरएल इसके पैरेलल में लगाते थे पूरा चेंज,
अब हम यहाँ नहीं लगाएंगे, अब हम यहाँ लगाएंगे पहले एक वोल्टेज फॉलोअर प्लस माइनस, और यहाँ लगाएंगे हम फिल्टर, ये हो गया वी नॉट, सॉरी ये लग गया इसके वोल्टेज फॉलोअर। अब पॉइंट समझिएगा, इसको लगाने से पहले जो वोल्टेज यहाँ आ रहा था ना इसके अक्रॉस वी आर, सेम वोल्टेज यहाँ आने लग जाएगा वी आर। और इसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या थी, एफ सी 1/2πRC एज इट इज रहेगी, राइट ये वह एज इट इज है, ये कोई चेंज नहीं, क्यों, क्योंकि इसका फेस शिफ्ट सेम रहेगा। वाई फेस शिफ्ट, जो इसका फेस शिफ्ट है, व्हाट इज द फेस शिफ्ट, प्लस टेन इनवर्स 1/ωRC वेयर ओमेगा इज इक्वल टू 2πf। वाई, क्योंकि इसका फेस शिफ्ट जीरो है, कैस्केडिंग में है, तो ओवरऑल फेस शिफ्ट विल रिमेन सेम। व्हाट इज द गेन ऑफ दिस सिस्टम, वन, इसका वन है, कैस्केडिंग में है, अगर इसका गेन है कुछ ए, इसका गेन है वन, तो ओवरऑल गेन इज व्हाट, ए इंटू वन ए, इसका मतलब अभी गेन भी इस ओवरऑल सिस्टम का फिक्स है। व्हाट इज द गेन, 1/(1−j/ωRC इसका, इस सिस्टम का मैंने निकाला था पहले, ये देखिए, ये पहले 1/(1−j/ωRC इसके सामने बस आपने लगा दिया है वोल्टेज फॉलोअर, तो वोल्टेज फॉलोअर का फेस शिफ्ट होता है जीरो, तो इसका फेस शिफ्ट प्लस जीरो, तो इसका शिफ्ट प्लस जीरो मीन्स ये वाला फेस शिफ्ट, दिस गेन इंटू वन रिमेन सेम, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी 1/2πRC रिमेन सेम। वाई, देखिए व्हाट इज द इनपुट रेजिस्टेंस सीन बाय दिस, यहां इनपुट रेजिस्टेंस सीन बाय दिस इज व्हाट, इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट पैरेलल विद आर इज नथिंग बट आर, इट मींस देयर इज नो लोडिंग इफेक्ट, अंदर कोई करंट नहीं जा रहा है, कहीं से कोई लोडिंग इफेक्ट नहीं आ रहा है। अब आप बोलोगे सर आरएल कहां लगेगा, तो आरएल तो यहां लगेगा, तो ध्यान दीजिएगा इस डायग्राम में आरएल कहां लग रहा है हमारा, यहां आपने लगाया फिल्टर, ये आ गया ऑपएम, और यहां लगा दिया आपने वी नॉट, और यहां लग गया आरएल। यहां जो भी वोल्टेज आ रहा था वो पूरा यहां एज इट इज ट्रांसफर हो गया, और यहां से इसे कोई करंट नहीं देना पड़ रहा है, और इस आरएल का इस आर पर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, उसे बस दिखाई दे रहा है यहां का इनपुट रेजिस्टेंस आ रहा है, और जो है इनफाइनाइट, इसलिए इसकी भी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आपकी फिक्स हो गई 1/2πRC, फेस शिफ्ट फिक्स है, गेन फिक्स है, किसी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट ये है यूज ऑफ वोल्टेज फॉलोअर। अब लेकिन एक बात बताओ, आरएल को तो करंट की जरूरत है ना, आरएल को करंट कौन दे रहा है आखिर भाई, आपने पहले आपने जब डायरेक्ट इस सर्किट में लगा दिया था, ध्यान दीजिएगा दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आपने इस सर्किट में आरएल लगाया तो यहां एक वीएस को करंट देना था, ये करंट गया था पहले आर से, अब ये करंट दो पार्ट में बटेगा, आर से भी जाएगा और इससे भी जाएगा, राइट तो जैसे जैसे आप आरएल की वैल्यू को कम करते जाओगे ज़्यादा से ज़्यादा इस बैटरी को करंट देना पड़ेगा, क्योंकि पूरे सर्किट का ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, दैट इज कॉल्ड लोडिंग इफेक्ट। आया लोडिंग इफेक्ट समझ में? अब पॉइंट देखिएगा, जब यह लोडिंग इफेक्ट आ गया तो उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, अब हम देखते हैं पॉइंट कि अगर मैंने इस सर्किट में से उठाकर यहां आरएल लगा दिया तो भी तो करंट की रिक्वायरमेंट है ना सेम आउटपुट मेंटेन करने के लिए। खास बात देखिए, इस बार करंट इसको नहीं देना है तो फिर कौन देगा करंट, तो करंट यहां से भी नहीं आ रहा है क्योंकि ऑपएम के अंदर कोई करंट जा नहीं सकता और आ नहीं सकता, लेकिन यहां से तो एक करंट आ रहा है ना आईएल, यस इसे ये करंट ऑपरेशनल एम्पलीफायर देगा। अंदर का इक्विवेलेंट सर्किट ध्यान रखिए, प्लस माइनस, दिस इज द ग्राउंड AVVI एंड दिस इज नथिंग बट आउटपुट रेजिस्टेंस, और AV क्या था, इंटरनल गेन ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर, इसकी ड्यूटी है इसको करंट देना, इसकी ड्यूटी है इसे करंट
देना, राइट। तो यहां से करंट आ जाएगा आपका एक्टिव एलिमेंट जैसे करंट देगा एवीवीआई, और इसे कोई भी एक्स्ट्रा करंट नहीं देना है, इसे बस अपना सर्किट संभालना है। ये है बफर, इसने इसको लोडिंग इफेक्ट से बचा लिया। वहां जितनी करंट की रिक्वायरमेंट थी, ये सब ड्यूटी किसकी है? वोल्टेज फॉलोअर की। वोल्टेज फॉलोअर का गेन 1 है, लेकिन उसकी करंट देने की कैपेसिटी क्या है? बहुत ज्यादा है, और इसको लोडिंग इफेक्ट से वो बचा लेता है। इसको करंट देने की ड्यूटी इसकी है, लेकिन यहां पर वोल्टेज जो मेंटेन होगा वो बिल्कुल यहां के वोल्टेज के बराबर होगा, एंड दैट्स व्हाट इज कॉल्ड बफर, राइट। हालांकि ये काफी और भी डिटेल जाता है, लेकिन यहां अभी एग्जाम के लिए काफी सफिशियंट है, इतना जानना आपके लिए। एंड दैट इज द फर्स्ट ऑर्डर बटरवर्थ फिल्टर, और फर्स्ट ऑर्डर में हमने पहले पढ़ा है हाई पास आरसी सर्किट। क्या पढ़ा हमने? हाई पास आरसी सर्किट, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट, ये हो गया हाई पास। नेक्स्ट है लो पास आरसी सर्किट, लो पास फिल्टर। ये था, ध्यान दीजिएगा, हाई पास आरसी सर्किट विद व्हाट? वोल्टेज फॉलोअर, एंड दैट्स व्हाट इज कॉल्ड लो हाई पास फिल्टर, एचपीएफ, हाई पास फिल्टर। दिस इज द एक्टिव फिल्टर, आपका एक एलिमेंट लगा हुआ है एक्टिव। किसी किसी को कंफ्यूजन होता है, सर गेन 1 है तो फिर आरएल मतलब कैसे एक्टिव कैसे हुआ? तो देखिए, वोल्टेज गेन 1 है, लेकिन एक्स्ट्रा ये करंट दे रहा है, और एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यहाँ सप्लाई लगी होती है 15-15 या 10-10। ये डीसी को एसी में कन्वर्ट कर रहा है, ये सब उसके पार्ट हैं। दिस इज द एक्टिव एलिमेंट, ठीक है ना। करंट गेन, नो डाउट वोल्टेज गेन 1 है, लेकिन करंट ये बहुत ज़्यादा दे रहा है, ओके। अब पढ़ते हैं हम लोग लो पास फिल्टर। तो फर्स्ट ऑर्डर बटरवर्थ लो पास फिल्टर, फर्स्ट ऑर्डर बटरवर्थ लो पास फिल्टर। यहां देखिए क्या है, यहां यहां फिर है, आप पहले लो पास फिल्टर बनाइए, यहां आर दिस इज सी, इसके सामने बस एक वोल्टेज फॉलोअर लगा दो, नॉट राइट। ये है आर, ये है सी, जैसा हमने पैसिव में बनाया था। ये है वी एस, और इसकी भी गेन क्या होती है? 1/1 j ωRC। आपको मैंने पहले भी बताया था 1/1 j ωRC सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि इसका गेन तो 1 है। दिस मल्टीप्लाइड विद 1 रिमेन सेम। What is the cutoff frequency? Omega C 1/RC, or what is the FC? 1 ωC/2π, that is 1/2π RC, remain same. What is the phase shift? -10 inverse ωRC. What is the phase shift of this? 0. जब आप एक का आउटपुट दूसरे के लिए इनपुट बन जाए, मतलब इसका आउटपुट जो है प्लस VC, इसके लिए इनपुट बन रहा है, तो उसको बोलते हैं कैस्केडिंग। और कैस्केडिंग में दोनों स्टेज का गेन मल्टीप्लाई हो जाता है और फेस ऐड हो जाते हैं। दोनों स्टेज का गेन मल्टीप्लाई होता है और फेस ऐड होते हैं। तो इसका फेस 0 है, तो इसका फेस इतना है, -10 inverse ωRC, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप देख सकते हैं फेस यही आएगा, ये आएगा। अब इस क्वेश्चन में पूछता क्या है? आपको पूछेगा व्हाट इज द फेस शिफ्ट ऑफ दिस, तो आप निकालिए 1/2π RC, इस पर डिपेंड है। आपको पूछेगा व्हाट इज द गेन ऑफ द सिस्टम, तो गेन आपका ये जो इतना है उतना ही होगा। अभी भी इसका मैक्सिमम गेन कितना है? 1, राइट। अभी भी इसका मैक्सिमम गेन 1 है, क्योंकि ये तो कुछ इंप्रूवमेंट, गेन में कोई इंप्रूवमेंट नहीं कर रहा है, क्योंकि वोल्टेज फॉलोअर का गेन तो 1 ही होता है, राइट। एज इट इज सिग्नल को पास कर रहा, बस लोडिंग इफेक्ट से बचा रहा है। लोड कहां लगेगा? ध्यान दीजिएगा, लोड लगेगा यहां। यहां अगर वीसी है तो यहां वीपी, अगर वीसी है तो वीएनवीसी है, वीएनवीसी है तो वी नॉट भी वीसी है, तो यहां का पूरा सिग्नल वहां चला जाएगा, राइट। और जितना भी इसको करंट देना है यहां, दिस इज द ड्यूटी ऑफ दिस वोल्टेज फॉलोअर, तो करंट यहां से जाएगा ऐसा घूमते हुए, एंड दैट इज द आर नॉट, एंड दैट इज द फर्स्ट ऑर्डर बटरवर्थ फिल्टर। ये है इसकी कहानी, राइट। तो ये हुआ इसके बारे में।
अब आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट है, अगर मैं ये बात बोलूं कि ये फर्स्ट ऑर्डर बटरवर्थ फिल्टर हो गया तो अब हम लोग इस पर क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं, तो देखिएगा जरा इसका गेन कितना था। ये देखिए, ये इसका डिजाइन हो गया फर्स्ट ऑर्डर बटरवर्थ फिल्टर, दिस इज अ स्टैंडर्ड सर्किट, इट इज डिजाइंड विद व्हाट वोल्टेज फॉलोअर। अब मैं इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल बता रहा हूं, उस न्यूमेरिकल को देखिएगा, फिर अगली क्लास में और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए, इसमें अब मैंने फीडबैक को थोड़ा चेंज कर दिया, यहां आ गया आपका RF, यहां आ गया R1, ये है ग्राउंड, यहां हमने लगाया एक कैपेसिटर, यहां लगाया एक रजिस्टर सी, यहां है VS, यहां सप्लाई दे रहे हैं हम VS विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, प्लस एंड माइनस, ये ग्राउंड। अब बताइए इसमें और इसमें, इसमें और लास्ट वाला जो मैंने डायग्राम बताया है, क्या अंतर है? इसमें हमने यहां से फीडबैक दे दिया 1+RF/R1, तो यहां देखिए मैं इस क्वेश्चन को ऐसे बना सकता हूं कि मैं यहां का वोल्टेज अगर निकालता हूं VR, और क्वेश्चन है व्हाट इज द आउटपुट, सिंपल सा पूछेगा, तो आप ध्यान दीजिए, अगर मैं इसे ऐसा बना दूं, और यहां का मुझे VP पता चल जाए, तो मुझे मालूम है इसका आउटपुट होगा 1+RF/R1 इंटू व्हाट VP। तो देखिए हम सिंपल VP निकाल रहे हैं, ऑप एम्प के अंदर कोई करंट नहीं जाता क्योंकि आइडियल ऑप एम्प है, इसीलिए पूरा यहां से यहां तक ड्रॉप निकालना है, तो हम सिंपली VP का मतलब VR के अक्रॉस ड्रॉप, तो VP इज नथिंग बट VR, और VR इज नथिंग बट वोल्टेज डिवाइड रूल R/R+1/SC, इसका इम्पिडेंस होता है 1/SC ये, इंटू वॉट VS, ये आपने VP निकाल लिया, राइट, सिंपली आप इसको मल्टीप्लाई करो SCR/1+SCR, ये हो गया VP, यहाँ रख दीजिए, तो वॉट इज द V0, 1+RF/R1 इंटू SCR/1+SCR, एंड दैट इज द आंसर, राइट। और अगर आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्मूले में लिखना चाहते हो तो आप ऊपर और नीचे डिवाइड कर दो, तो 1+1/SCR, अब अगर ये रख देते हैं इंटू VS, अगर ये आप जाके यहां रख देंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, देखिए व्हाट इज द V0 इज इक्वल टू V0 इज इक्वल टू 1+RF/R1/1+1/SCR इंटू व्हाट VS, और दिस इज नथिंग बट 1+RF/R1/1-J/ωRC, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट V0/VS, दिस इज द वैल्यू ऑफ V0/VS इज इक्वल टू, आप बताइए क्या अंतर आया पैसिव और एक्टिव में, अगर आपके इस डायग्राम और उस डायग्राम में, इस डायग्राम में आपका मैक्सिमम गेन कितना था, 1 upon 1 minus J/ωRC, यहां गेन था मैक्सिमम 1, वो भी तब मिलता जब आप ओमेगा को रखते इनफाइनाइट, यहां क्या आ गया 1+RF/R1/1-J/ωRC, ओके। तो आपको समझना क्या है, आपने अगर इसको देखा और अगर आपको इसको देखते ही समझ में आ जाएगा ये हाई पास फिल्टर है, तो हाई पास फिल्टर का स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए 1 upon 1 minus J/ωRC, इसको हटा दीजिए तो ये 1 upon 1 minus J/ωRC, व्हाट इज द गेन ऑफ दिस सिस्टम नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम 1+RF/R1, तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए 1+RF/R1, ऑब्जेक्टिव क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा व्हाट इज द मैक्सिमम गेन पॉसिबल, तो मैक्सिमम गेन पॉसिबल तो वही है जो न्यूमरेटर में होता है 1+RF/R1, दिस इज द मैक्सिमम गेन पॉसिबल, व्हेन पॉसिबल तो आप इसका मॉड निकाल लीजिए, व्हाट इज द मॉड ऑफ गेन, दैट इज द V0/VS का मॉड इज इक्वल टू हो गया 1+RF/R1/√1+1/ω² R² C², देखिए
है 1 अपॉन Rf प्लस आर वन वन रूट ओवर 1 प्लस 1 बाई ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर सी स्क्वायर। अब यहाँ आप रख दीजिए ओमेगा को इनफाइनाइट, तो जैसे ही ओमेगा इनफाइनाइट रखोगे दिस टर्म इज जीरो, व्हाट इज द मैक्सिमम गेन? मैक्सिमम गेन इज नथिंग बट 1 प्लस Rf बाई आर वन, सिंपल क्वेश्चन राइट। तो ये होता है गेन, आपको ऑब्जेक्टिव आता है दो नंबर का, इसमें मैक्सिमम गेन क्या निकलेगा, ये कौन सा फिल्टर है, तो ये है हाई पास फिल्टर राइट। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप ओमेगा को, आप इसमें देख सकते हो, जैसे जैसे आप ओमेगा को कम करते जाओगे, ओमेगा कम होगा ये टर्म बढ़ता जाएगा, ओवरऑल गेन कम होता जाएगा, या उल्टा चलिए जैसे जैसे आप ओमेगा को बढ़ाते जाओगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपने रख दिया ओमेगा इक्वल टू जीरो, ओमेगा जीरो रखते ही गेन जीरो हो गया, जैसे जैसे ओमेगा बढ़ाओगे मॉड ऑफ गेन बढ़ने लगेगा, और ओमेगा इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे ये मैक्सिमम हो जाएगा कितना, 1 प्लस आर एफ बाई आर वन। इट इज अ हाई पास फिल्टर, हाई फ्रिक्वेंसी को पास कर रहा है, लो फ्रिक्वेंसी को सप्रेस कर रहा है। ओके तो ये हो गया, और इसका हम लोग एक शॉर्टकट समझ लेते हैं। जब आपका सी और आर की बात है ना, तो यहां देखिएगा जरा थोड़ा सा इजी तरीके से, ये है ऑपरेशनल एम्पलीफायर माइनस प्लस, ये इसका गेन हो गया आर एफ बाई आर वन, यहां आपका आ गया सी, यहां आ गया आर, यह है वीएस। अब मैं जो बोल रहा हूं ना थोड़ा सेफ्टी लगाइएगा, समझिएगा एक बात बताओ, ये 1 प्लस आर एफ बाई आर वन वाला जो गेन है वो तो नॉन इन्वर्टिंग का गेन है, वो किसे एम्पलीफाई कर रहा है, इस पॉइंट के वोल्टेज को, दैट इज द वीपी, इसीलिए तो इसका आउटपुट है 1 प्लस आर एफ बाई आर वन इंटू वीपी। अब लेकिन मुझे एम्पलीफाई किसको करना है, वीएस को। अब अगर वीएस पूरा वीपी बन जाए और सी के अक्रॉस कोई लॉस ना हो तब तो मैक्सिमम गेन आएगा ना, मतलब पूरा का पूरा वीपी किसके बराबर हो जाए, वीएस के बराबर हो जाए, और वो तब पॉसिबल है देन सी विल एक्ट एज व्हाट, शॉर्ट सर्किट। एंड व्हाट इज द इम्पीडेंस, जेड सी इज इक्वल टू 1/2 πfc। इम्पीडेंस जीरो कब होगा, इफ एफ इज व्हाट, इनफाइनाइट, एफ इनफाइनाइट मीन्स ओमेगा इनफाइनाइट, इसीलिए एग्जैक्टली एट ओमेगा इन्फिनिटी दिस कैपेसिटर विल एक्ट एज शॉर्ट सर्किट एंड वीपी इज एग्जैक्टली इक्वल टू वीएस एंड वी आर गेटिंग द मैक्सिमम गेन राइट। एंड व्हाट इज द गेन ऑफ द सिस्टम, वी नॉट बाय वीएस, 1 प्लस आरएफ बाय आर वन। तो ये होता है किसी भी फिल्टर को समझने का तरीका, आप फ्रिक्वेंसी रख सकते हो। दूसरा, अगर आपने यहां फ्रिक्वेंसी जीरो रख दी तो व्हाट इज द जेड सी, इनफाइनाइट, अब पूरा का पूरा जेड सी इनफाइनाइट है तो पूरा वोल्टेज तो इसके अक्रॉस आ गया, तो व्हाट इज द वीपी, जीरो, वीपी जीरो तो आउटपुट भी जीरो, गेन खत्म। भाई जीरो के लिए कैपेसिटर एक्ट एज ओपन सर्किट, सिग्नल को जाने ही नहीं देगा, और अगर इनफाइनाइट रखोगे इट विल एक्ट एज शॉर्ट सर्किट, पूरा का पूरा सिग्नल यहां आ जाएगा और उसे एम्पलीफाई कर देगा। तो ये भी एक तरीका होता है फिल्टर को समझने का, हालांकि मैंने काफी डिटेल में बताया हुआ है, दिस इज ऑल अबाउट दिस फिल्टर, तो आप याद रखिएगा ये है। और इस क्वेश्चन में भी आप समझ लीजिएगा क्या है, यस, ये वी नॉट, दिस इज आर एफ, दिस इज आर वन, ये है ग्राउंड, यहां अगर आर लगा हुआ है और यहां सी लगा हुआ है, यस, सी और आर, यहां वी एस। तो जो मेन डायग्राम हमको समझना है ना वो ये है, इसको देख के समझ में आता है ये लो पास फिल्टर है या हाई पास फिल्टर है, बाकी तो जो अगला है वो तो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। तो इसको हम दो पार्ट में बांट सकते हैं कैस्केडिंग में, ये, और आगे का जो एम्पलीफायर है उसका जो गेन है वो है 1 प्लस आर एफ बाई आर वन, ये है नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प, नॉन इन्वर्टिंग इसलिए क्योंकि फेस शिफ्ट जीरो है, और अगर यही गेन 1 हो जाता है तो एन इस कॉल वोल्टेज फॉलोअर, ये है आर, ये है सी। तो मेन ये है आपका, कंट्रोल में भी आप इस तरीके के क्वेश्चन देखते हो, इट इज अ लो पास फिल्टर देन ओवरऑल सर्किट इज लो पास फिल्टर। तो फिर इसका काम क्या है, इसका काम है सिंपली गेन को इंक्रीज करना राइट, गेन को मैक्सिमम रखना,
इसीलिए हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होगा, तो व्हाट इज द गेन ऑफ आरसी, पहले तो आप आरसी का गेन निकालो, तो ए वन इज इक्वल टू हो गया 1/SC अपॉन आर प्लस 1/SC, SC से मल्टीप्लाई कीजिए तो ए वन इज इक्वल टू हो गया 1 अपॉन, ध्यान दीजिएगा, 1 अपॉन 1 प्लस SCR। तो देखिए यहां अगर VS है तो यहां अगर VC है, अब ये VC आगे मल्टीप्लाई होकर 1 प्लस RF/RN से मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा हमारा V नॉट, राइट। तो A1 इज नथिंग बट VC बाई VS। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं, तो व्हाट इज द V0 बाई VC? V0 बाई VC इज नथिंग बट A2 इज 1 प्लस RF/R1। व्हाट इज द ओवरऑल गेन? V0 बाई VS इज नथिंग बट V0 बाई VC इंटू VC बाई VS, इट इज द गेन। ए मल्टीप्लाई कीजिए, व्हाट इज द V0 बाई VC? 1 प्लस RF/R1 इंटू VC बाई VS, व्हाट इज द VC बाई VS? 1 अपॉन 1 प्लस SCR, व्हाट इज आंसर? 1 प्लस RF/R1 अपॉन 1 प्लस SCR। एस को रख दीजिए जे ओमेगा, 1 प्लस RF/R1 अपॉन 1 प्लस jωRC। स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर लो पास फिल्टर, ए मैक्स अपॉन 1 प्लस jωRC। तो व्हाट इज द मैक्सिमम गेन? अगेन 1 प्लस RF/R1। ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, सीधा सॉल्व हो गया। थ्योरेटिकल है, बस आपको आपको यहाँ न्यूमेरिकल की वैल्यू दे देगा, वैल्यू ऑफ सी, वैल्यू ऑफ आर, वैल्यू ऑफ आर एफ, वैल्यू ऑफ आर वन, तो आप निकाल सकते हो। जो न्यूमरेटर में आता है वो मैक्सिमम गेन है, और जो आपका 1 प्लस jωRC आ रहा है ये बता रहा है जैसे जैसे आप ओमेगा बढ़ाते जाओगे गेन कम होता चला जा रहा है। तो आप इसको देख लीजिए, व्हाट इज द मॉड ऑफ ए RF/R1 1 प्लस RF/R1 अपॉन √1 प्लus ω² R² C² ओके। तो एंड फेस, सिंपली फेस डिपेंड अपॉन -tan inverse ω RC डिनोमिनेटर में, इसका कोई रोल नहीं है ऊपर फेस का, क्योंकि ये नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प है और नॉन इन्वर्टिंग का फेस 0 लिखा हुआ है। जो भी फेस है इसका फेस है ∅1, तो मैंने जो यहाँ पे लिखा है ∅1 ही है, और टोटल फेस होता है, ओवरऑल फेस हमेशा ऐड होता है, मल्टीप्लाई नहीं करना है, ∅2। तो यहाँ जो ∅2 है वो 0 है, ∅1 मैंने अभी लिखा है, तो दोनों का मिलाकर हो गया -tan inverse ω RC। फेस ऐड होता है, गेन मल्टीप्लाई होगा, ध्यान रखिएगा। अब फेज इतना है ओमेगा आरसी, तो जब आप ओमेगा रखोगे 0, रख दीजिए 0, वी आर गेटिंग द मैक्सिमम गेन। व्हाट इज द मैक्सिमम गेन? 1 प्लस RF/R1। और जब आप ओमेगा रख दोगे 1/RC, तो आपको गेन मिलेगा 1 प्लस RF/R1 अपॉन √2, एंड दैट्स व्हाट इज कॉल्ड 3 dB कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। तो पहले भी वही थी, अभी भी वही है, और अगर आप ओमेगा रख दोगे इनफाइनाइट तो मॉड हो जाएगा 0। तो व्हाट इज द कर्व? सेम लो पास फिल्टर, ऐसा जाएगा और ऐसा नहीं जाएगा, बस अंतर क्या आया, जो पहले पैसिव में 1 था वो गेन बढ़कर हो गया 1 प्लस RF/R1, और ये आ गई इसकी 3 dB कट ऑफ फ्रीक्वेंसी FC, और ये है F, दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स कर्व। आप यहां बता सकते हो व्हाट इज द फेज, जब आप ओमेगा 0 रखोगे तो फेज आएगा 0, जब आप ओमेगा 1/RC रखोगे फेज आएगा -45 डिग्री, और जब आप रखोगे इनफाइनाइट तो फेज आएगा -90 डिग्री। तो व्हाट अबाउट द कर्व? कर्व विल रिमेन सेम, फेज का कर्व देखिए, दिस इज द कर्व, फेस कर्व 0 डिग्री, 45 डिग्री, -45 डिग्री एंड -90 डिग्री, राइट। तो यहां मैं थोड़ा सा डिफरेंस कर दूं, नहीं तो यहां कंफ्यूजन हो जाए आपको।
यहाँ खींच लेते हैं हम लोग, सॉरी ये देखते हैं, यस 0 डिग्री, -45 डिग्री, -90 डिग्री। अब आपका कर्व कैसा जा रहा है, स्क्यू सिमेट्रिक, एग्जैक्टली एट कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, व्हाट इज द फेस, -45 डिग्री, एग्जैक्टली एट इनफाइनाइट -90 डिग्री, और जीरो पर है जीरो, दैट इज द फेस कर्व। तो क्या अंतर आया, जो पैसिव फिल्टर में हमने पढ़ा था वही सब कुछ है, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी वही है, बस इस एक्टिव एलिमेंट ने उसके गेन को क्या कर दिया, बढ़ा दिया और लोडिंग इफेक्ट से बचा लिया। अभी भी इस सर्किट को अंदर कोई करंट नहीं देना है क्योंकि इसे RI कितना दिखाई दे रहा है, इनफाइनाइट। नॉन इन्वर्टिंग ऑपएम का RI होता है इनफाइनाइट, ओके। तो दिस इज फर्स्ट ऑर्डर बटरवर्थ फिल्टर, तो ये था। अब फर्स्ट ऑर्डर बटरवर्थ फिल्टर में लगा होता है वोल्टेज फॉलोअर, ये है स्टैंडर्ड डिजाइन, ये था फर्स्ट ऑर्डर बटरवर्थ हाई पास फिल्टर, फर्स्ट ऑर्डर बटरवर्थ लो पास फिल्टर, फिर हमने एक क्वेश्चन बनाया नॉन इन्वर्टिंग से सिस्टम का गेन बढ़ाने के लिए, फिर हमने देखा कैसे गेन बढ़ रहा है, और फिर बनाया हमने लो पास फिल्टर विद नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, ये इंक्रीज हो गया, फेज याद रखिए, गेन याद रखिए, सब यही क्वेश्चन आते हैं एज इट इज। और ये था कर्व, ऐसे ही आप बना सकते हो हाई पास फिल्टर का, अभी मैंने बनाया लो पास का। हाई पास मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ हाई पास RC सर्किट में, राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है सेकेंड ऑर्डर बटरवर्थ फिल्टर, सेकेंड ऑर्डर बटरवर्थ फिल्टर, राइट। अब कई लोगों को कंफ्यूजन होता है सर ऑर्डर का क्या करना है, सेकेंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर, तो पहले तो वो समझ लो फिर हम समझाते हैं सेकेंड ऑर्डर। देखिए होता क्या है, हमको जो आइडियल फिल्टर चाहिए, आइडियल लो पास फिल्टर, आइडियल लो पास फिल्टर में हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी है, सडनली फॉल कर जाना चाहिए, ये है कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, इसको बोलते हैं पास बैंड, और इसे बोला जाता है स्टॉप बैंड, स्टॉप बैंड, राइट, स्टॉप बैंड एंड पास बैंड। हम बिल्कुल चाहते हैं आइडियली कि एग्जैक्टली ये FC तक पास करे और उसके बाद सप्रेस कर दे, इधर पास ना करे इधर पास करे। इसका गेन अगर मान लीजिए 10 है तो यहां तक तो 10 रहे और सडनली ड्रॉप कर जाए, यहां तक इट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, सबको आराम से पास करे जो भी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट आ रहा है, उसके बाद तेजी से नीचे आ जाए, इधर किसी को भी पास ना करे, ये होती है आइडियल कंडीशन। अब लेकिन ऐसा आइडियली कहां मिलेगा, तो आपका देखो प्रैक्टिकली क्या होता है, ये होता है, ये है आइडियल कंडीशन, दिस इज द आइडियल, इसको फॉल कर जाना चाहिए, लेकिन वो फॉल नहीं करेगा, वो ऐसे फॉल करेगा, नाउ दिस इज द -20 dB पर डिकेड, मतलब ये नो डाउट अभी भी यहां तक कांस्टेंट है, तो बैंडविड्थ तो अभी भी यही है, लेकिन वो जब नीचे गिरना था सडन आइडियली, वो नीचे नहीं गिर रहा है, वो स्लोप से गिर रहा है -20 dB पर डिकेड, उसे गिरने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो आजू बाजू के सिग्नल भी क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, आजू बाजू मतलब अदर देन FC फ्रीक्वेंसी, जो F थोड़ा सा ज्यादा है वो भी क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, राइट। अब बताइए अगर मैं इसकी बजाय, ये फर्स्ट ऑर्डर था, अगर इसकी बजाय हम सेकेंड ऑर्डर बना दें तो ये तेजी से नीचे आएगा, एंड व्हाट इज द स्लोप, -40 dB पर डिकेड। सेकेंड ऑर्डर का मतलब जिसके डिनोमिनेटर में S की पावर 2 है, और आप बोडे प्लॉट पढ़ते हैं, जब S की पावर 2 है तो -40 dB, S की पावर 1 है तो -20 dB, और अगर थर्ड ऑर्डर बना दिया जाए तो क्या होगा, और नीचे -60 dB पर डिकेड, राइट। अब बताइए विच वन इज बेटर, विच वन इज नियर टू आइडियल, ये आइडियल है वो प्रैक्टिकल है,
ये आइडियल है वो प्रैक्टिकल है. नाउ विच वन इज बेटर? तो डेफिनेटली रेड जो हमने दिखाया है दैट इज द थर्ड ऑर्डर इज बेटर देन ब्लू दैट इज व्हाट सेकंड ऑर्डर एंड ब्लू इज बेटर देन ब्लैक दैट इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर. तो ये फर्स्ट ऑर्डर उससे बढ़िया है सेकंड ऑर्डर उससे बढ़िया है व्हाट थर्ड ऑर्डर. राइट, आप बोलो सबसे ज्यादा यूज कौन सा होना चाहिए बताइए. आप बोलोगे सर सबसे ज्यादा यूज होना चाहिए -60 dB पर डिकेड वाला थर्ड ऑर्डर. लेकिन देखिए एक बात ध्यान रखिए, चीजों को हम लोग कॉस्ट वाइज देखते हैं. राइट, जैसे जैसे आप ऑर्डर पे ऑर्डर बढ़ाते जाओगे ना, अभी मैं थोड़ी देर में आपको डायग्राम बताऊंगा, सर्किट कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स बढ़ते चले जाएंगे, कॉस्ट बढ़ते जाएगी. दो तरीके की कॉस्ट बढ़ती है, एक जो शुरू में बनाने के लिए कॉस्ट लगी, दूसरी रनिंग कॉस्ट. रनिंग कॉस्ट का मतलब है पावर डिसिपेशन. राइट, तो मैं दो बातें बताता हूँ कैसे कॉस्ट बढ़ती है. तो एक एग्जांपल से समझते हैं. आपके घर में फैन है, यस, और आपके घर में एसी भी होगा, तो बताइए किसकी कॉस्ट ज्यादा है. जब आप मार्केट से खरीदने जाते हो तो फैन खरीदने के लिए ज्यादा प्लानिंग नहीं करनी पड़ती, लेकिन जब आप एसी खरीदते हो ना तो आपको प्लान करना पड़ता है. देखिए मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वी आर फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली. राइट, सबको योजना बनानी पड़ती है. अगर मिडिल क्लास फैमिली नहीं है तो हम एग्जाम की तैयारी क्यों कर रहे हैं, फिर तो हमें बिजनेस संभालना चाहिए. राइट, अलग बात है नॉलेज के बाद हम फिर से बिजनेस संभालेंगे, वो अलग मैटर है. तो देखिएगा, आपने फैन खरीदा, आपने एसी खरीदा, फैन की कॉस्ट कम है, एसी की कॉस्ट ज़्यादा है. अगर फैन आपका आ रहा है 1000 या 2000 का, तो एसी आएगा आपका 50,000, 60,000 से लेकर 80,000 तक, मतलब करीब करीब 25 गुना ज़्यादा कॉस्ट आ गई. एक दूसरी बात, बिजली बिल किसका ज़्यादा आता है, फैन का कि एसी का? अगेन एसी का. मतलब रनिंग कॉस्ट भी क्या आ रही है, ज़्यादा आ रही है. तो बताइए क्या हर कोई एसी लगा लेगा, क्योंकि एसी इज़ बेटर देन फैन. कॉस्ट सिमिलरली, फर्स्ट ऑर्डर सर्किट ये है, सेकेंड ऑर्डर ये है, थर्ड ऑर्डर ये है. आपको कितना प्रिसाइज चाहिए, कितना बढ़िया चाहिए, अगर जितना ज़्यादा बढ़िया चाहिए उतनी कॉस्ट आपको बेयर करनी पड़ेगी. तो ऐसा नहीं है कि ये बेटर है इसलिए यही हर जगह यूज़ होगा. फर्स्ट ऑर्डर भी यूज़ होता है, सेकेंड ऑर्डर भी यूज़ होता है, और थर्ड ऑर्डर भी. जितना ज़्यादा आप कॉम्प्लेक्स में जाओगे, राइट, जितना ज़्यादा आप कॉम्प्लेक्स में जाओगे उतनी कॉस्ट बढ़ेगी, रनिंग कॉस्ट बढ़ेगी, और सिस्टम के अनस्टेबल होने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं. राइट, तो अगर आपके घर में एसी लगा है तो उसके लिए वोल्टेज स्टेबलाइजर लगाना पड़ेगा, उसके खराब होने के चांसेस भी है. लेकिन फैन के लिए वोल्टेज स्टेबलाइजर की बात आपने नहीं सुनी होगी, और सालों से सीलिंग फैन चलता रहता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती. और एसी को हर बार हर सीजन में आपको क्या करवाना होगा, आपको उसकी सर्विसिंग करवानी होगी. इज इट क्लियर? तो आपका ये कहना कि ये ज्यादा यूज होगा ये कम यूज होगा वो मैटर करता है. हर आदमी मर्सिडीज नहीं चला रहा है, मर्सिडीज इज बेटर देन मारुति, लेकिन हर आदमी मर्सिडीज नहीं चला रहा है. मारुति अपनी जगह है, मर्सिडीज अपनी जगह है. तो डिपेंड करता है आपको क्या चाहिए एंड सो ऑन. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड प्रैक्टिकल एंड फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर. अब देखते हैं हम लोगों का सेकेंड ऑर्डर सर्किट कैसे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया. सेकेंड ऑर्डर बटरवर्थ फिल्टर जिसमें हमें मिलेगी -40 dB पर डिकेड की स्लोप. तो देखिए जरा, ये है ऑपरेशनल एम्पलीफायर माइनस प्लस. यहां हम ले रहे हैं वी नॉट. राइट, यहां हमने हेडिंग दी है फर्स्ट सेकेंड ऑर्डर बटरवर्थ फिल्टर. हम लोग बात कर रहे हैं लो पास फिल्टर, तो मैं पहले बनाऊंगा लो पास फिल्टर. लेट दिस इज आर एफ, दिस इज आर, ये ग्राउंड. यहां आप लगाएंगे आर सी आर एंड सी 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 आर आर. इसे मैं ले लेता हूं लेट आर वन, इसे ले लेते हैं सी वन, ये है आर टू, ये है सी टू, ये है वी एस. यहां लगा है इनपुट वी एस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. R1, C1, R2, C2 and this is the R. अब पॉइंट देखिए आपका,
आप इसे आप सॉल्व करते हो मान लो, तो वो तो 20 मार्क्स का हो गया इंजीनियरिंग सर्विसेज मेंस, वहाँ बाद में देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। आपको ये समझना है इट इज़ अ लो पास फिल्टर। अगर इधर सी है, इधर आर है, इधर सी है, इधर आर है, तो ध्यान दीजिएगा ये है लो पास फिल्टर। इसकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, जैसे दो तीन चीज़ें मैं बता रहा हूँ, इसकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी जो आएगी एफ सी, इट इज़ नथिंग बट 1/2 pi रूट ओवर आर वन आर टू सी वन एंड सी टू, आर वन आर टू सी वन एंड सी टू। इफ आर वन इज इक्वल टू आर टू एंड सी वन इज इक्वल टू सी टू, तो ये कट ऑफ फ्रिक्वेंसी हो जाएगी एफ सी इज इक्वल टू 1/2 pi RC, राइट। इसे मैं आर डैश कर देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। आर वन इज इक्वल टू आर टू इज इक्वल टू आर, सी वन इज इक्वल टू सी टू इज इक्वल टू वॉट सी सी। अगर ऐसा हो जाए C1 is equal to C2 is equal to what? C, तो आपकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1/2 pi RC। पहला क्वेश्चन तो ये पूछता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस सर्किट, तो इट इज अ लो पास फिल्टर, सेकंड ऑर्डर बटरवर्थ लो पास फिल्टर। तीसरा आपका क्वेश्चन होगा व्हाट इज द मैक्सिमम गेन, तो देखिए मैक्सिमम गेन निकालना है ना, तो आप याद रखिए मैक्सिमम गेन लो पास फिल्टर है, इसलिए ओमेगा दैट इज 2 pi f इज इक्वल टू जीरो पर मिलेगा। वॉट इज द इम्पिडेंस बिकॉज ऑफ द कैपेसिटर, 1/2 pi fc। जब आप f जीरो रखोगे तो ये क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट, मतलब कैपेसिटर एक्ट एज ओपन सर्किट, कैपेसिटर एक्ट एज ओपन सर्किट। इस सर्किट से पूरा कैपेसिटर हटा दो, और जब कैपेसिटर हटा दोगे तो ध्यान दीजिएगा क्या बना, बचा क्या, यहां देखिए यहां का आपका आर एफ बच गया, यहां आर डैश बच गया, यहां आर टू आर वन, और यहां आ गया वी एस। कैपेसिटर कहां गया, कैपेसिटर एक्ट एज ओपन सर्किट, ये गायब ये गायब। अब बताओ व्हाट इज द करंट थ्रू द ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ऑप एम्प के अंदर यहां तो कोई करंट नहीं जाता, जब करंट ही नहीं जाता तो व्हाट इज द ड्रॉप अक्रॉस आर वन एंड आर टू, जीरो। तो व्हाट इज द वोल्टेज एट दिस पॉइंट, वी पी इज इक्वल टू व्हाट, वी एस। और जब एक बार आपको VP पता चल गया VS, तो व्हाट इज द आउटपुट, सिंपली 1 + RF/R' × VS। तो व्हाट इज द मैक्सिमम गेन, V0/VS इज नथिंग बट 1 + RF/R'। ये है इसका मैक्सिमम गेन, और किस फ्रीक्वेंसी पर मिल रहा है, जीरो फ्रीक्वेंसी पे, बिकॉज इट इज अ लो पास फिल्टर, फिनिश्ड। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मैक्सिमम गेन निकालिए। अब कहीं पूछेगा व्हाट इज द मैक्सिमम गेन, लॉजिकली है ये, आपने कैपेसिटर हटा दिया। अब अगर कैपेसिटर आएगा और जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे, कैपेसिटर से सिग्नल बाईपास करने लग जाएगा, और जो इस टर्मिनल तक पहुंचेगा वो कम होता चला जाएगा। और अगर आप फाइनली देख लो, जब ओमेगा इक्वल टू इनफाइनाइट रखोगे, देन कैपेसिटर एक्ट एज, एट ओमेगा इज इक्वल टू इनफाइनाइट, कैपेसिटर एक्ट एज शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट। तो ये पॉइंट जीरो, ये पॉइंट जीरो से कनेक्टेड, व्हाट इज द आउटपुट, जीरो। तो आप देख लीजिए ओमेगा इज इक्वल टू 2 pi f इज इक्वल टू इनफाइनाइट रख दीजिए, तो जेड सी इज इक्वल टू 1/2 pi fc इज इक्वल टू व्हाट, जीरो आ जाएगा। कैपेसिटर एक्ट एज शॉर्ट सर्किट, माइनस प्लस V नॉट आर एफ आर डैश, कैपेसिटर कनेक्टेड टू आवर ग्राउंड। यहां एक छोटा सा करेक्शन, ये तो आपने समझ लिया, ये जो पॉइंट है दिस इज कनेक्टेड टू आवर यहां फीडबैक, ये करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है ना। अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव के हिसाब से बना रहे हैं, अगर ये डेरिवेशन करेंगे तो ऐसी कोई गलती नहीं होती। देयर इज अ फीडबैक From C1 to what? V0. Okay? ये ध्यान रखिएगा, C1 to V0, there is one connection. ये है हमारा low pass filter. बाकी सब कहानी वही है. Again, capacitor act as short circuit. पहले वाले में open, हमने हटा दिया capacitor. Finished. अब आपका formula same है, no issue. अभी देखिए यहाँ, now the capacitor will act as what? Short circuit. तो ये देखिए, ये हट गया. ये आपका कनेक्ट हो गया ग्राउंड से,
और ये भी हो गया शॉर्ट, ये आ गया यहाँ से वी नॉट कनेक्टेड। लेकिन एक बात बताओ, इस पॉइंट का वोल्टेज अगर जीरो हो गया, यहाँ तो वी एस लगा हुआ है लेकिन इस पॉइंट का वोल्टेज अगर जीरो हो गया तो वोल्टेज एट दिस पॉइंट इज जीरो, व्हाट इज द आउटपुट? वन प्लस आर एफ बाई आर इंटू व्हाट? वी एस, सिंपल वीपी, वीपी एंड व्हाट इज द वीपी? जीरो, एंड दैट्स द आउटपुट इज व्हाट? जीरो। तो देखिए ये हाई फ्रीक्वेंसी को पास नहीं कर रहा है, किसको पास कर रहा है? लो फ्रीक्वेंसी को पास कर रहा है, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लो पास फिल्टर। ओके, तो ये था इसके बारे में। और सिमिलर डायग्राम है हाई पास फिल्टर का, दिस इज द आर एफ, दिस इज द आर डैश, ये ग्राउंड, बस सी आर, सी आर की पोजिशन चेंज कर दीजिए, ये ग्राउंड है, इट इज कनेक्टेड टू व्हाट? दिस सिग्नल, दिस इज द वी नॉट, सी वन, सी टू, आर वन, आर टू, दिस इज द वी एस, देन दिस इज व्हाट? सेकेंड ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर बटरवर्थ, बटरवर्थ हाई पास फिल्टर। बस सी की जगह एल रख दीजिए, एल की जगह सी रख दीजिए, दिस इज द सेकेंड ऑर्डर बटरवर्थ फिल्टर। हम थोड़ा यहां से प्रॉपरली लिख लें, ये आर एफ, तो दिस इज नथिंग बट सेकेंड ऑर्डर, ठीक है, बटरवर्थ फिल्टर, बटरवर्थ हाई पास फिल्टर। तो ये फीडबैक लगा है, ध्यान रखिएगा, सिंपली पिछली बार ये सी के साथ लगा था, इस बार ये आर वन के साथ लगा है। आपको वापस बहुत ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, आप बस अभी एग्जाम के लिए पढ़िए, एफ सी इज इक्वल टू वन बाई टू पाई आर वन आर टू सी वन सी टू, इफ आर वन इज इक्वल टू आर टू इज इक्वल टू आर, C1 is equal to C2 is equal to C, what is the FC is equal to 1 by 2 pi RC. Okay? अब आप फिर बताइए, अब आप एक्सपेरिमेंट कीजिए, अगर मैं ओमेगा को जीरो लेता हूं, मतलब F0, then what is the ZC? Infinite. And capacitor act as open circuit. और जब कैपेसिटर ओपन सर्किट है तो यहां भी गायब हो गया, यहां भी गायब हो गया, ये सिग्नल वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा, और सिग्नल जब पहुंचा ही नहीं तो एम्पलीफाई क्या होगा? पूरा कैपेसिटर रोक दिया ना इसे आने, अंदर जाने से, इट विल एक्ट एज ओपन सर्किट एंड द आउटपुट इज जीरो, आउटपुट इज व्हाट? जीरो। और अगर आप ओमेगा रखते हो इनफाइनाइट, देन द कैपेसिटर इंपेडेंस इज व्हाट? जीरो, कैपेसिटर एक्ट एज शॉर्ट सर्किट, ये शॉर्ट, ये शॉर्ट, देख रहे हो, ध्यान दीजिएगा, शॉर्ट शॉर्ट यहां तक पहुंच जाएगा वी एस, एंड यहां पहुंचा वी एस, तो व्हाट इज द गेन? वन प्लस आर एफ प्लस आर, वन प्लस आर एफ बाई आर डैश इंटू व्हाट? वी एस। तो ये है लास्ट, जब आप जेड सी आ जाएगा आपका व्हाट? जीरो, मींस आपने ओमेगा रखा है टू पाई एफ इज इक्वल टू व्हाट? इनफाइनाइट, सर्किट हो गया V नॉट, कैपेसिटर एक्ट एज शॉर्ट सर्किट वन रजिस्टर, कैपेसिटर एक्ट एज शॉर्ट सर्किट वन रजिस्टर, ये रजिस्टर जुड़ा है यहां से, ये जुड़ा है यहां से, आपने यहां वी एस लगाया, ऑप एम्प के अंदर कोई करंट नहीं जा रहा, यहां वी एस है तो यहां वी एस है, यहां वी एस तो यहां वी एस है, यहां वी एस है तो यहां भी क्या है? वी एस है। आप चाहो तो केसीएल लगा लो, अदरवाइज आप इसे नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प जैसा सॉल्व कीजिए, तो व्हाट इज द गेन? वी नॉट इज नथिंग बट वन प्लस आर एफ बाई आर डैश इंटू व्हाट? वी एस। आप चाहो तो केसीएल लगा सकते हो, वी एस माइनस जीरो बाई आर डैश, वी एस माइनस वी नॉट बाई आर एफ, सॉल्व इट एंड गेट द आंसर। नाउ व्हाट इज द मैक्सिमम गेन? ए मैक्स,
is equal to 1 plus Rm by R dash. ये है maximum gain. यहाँ से आता है. और maximum gain किस frequency पे मिल रहा है? Omega is equal to what? Infinite पर. तो देखिए इसमें question क्या आएगा? Question यही आएगा. What is the maximum gain? What is the name of this filter? अगर यहाँ C है, इधर R है. तो ध्यान दीजिए, it is a high pass filter. हमेशा याद रखिए, यहाँ C, यहाँ R, high pass filter. यहाँ R, यहाँ C, low pass filter. सिंपल, ठीक है ना? तो यहाँ C, यहाँ R, यहाँ C. डबल डबल एलिमेंट लगाने से क्या हो गया? ये सेकंड ऑर्डर हो गया. अगर सिंगल एलिमेंट लगा था तो फर्स्ट ऑर्डर हो गया, राइट? और अगर इससे आप ज़्यादा ऑर्डर का बनाना चाहते हो, जैसे थर्ड ऑर्डर का बनाना चाहते हो, तो सिंपली कैस्केड द फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर टू डिज़ाइन व्हाट थर्ड ऑर्डर सिस्टम. तो आप अगर फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर की कैस्केडिंग कर देते हैं तो आप डिज़ाइन कर सकते हो व्हाट थर्ड ऑर्डर सिस्टम, ओके? लेकिन मैंने कहा था जैसे जैसे ऑर्डर बढ़ाओगे डेफिनेटली वो आइडियल की तरफ पहुंचेगा, लेकिन कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, कॉस्ट बढ़ेगी, रनिंग कॉस्ट बढ़ेगी. देख लो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ दो कैपेसिटर, दो रजिस्टर, यहाँ वहाँ, तो भाई हर किसी के अक्रॉस करेंट फ्लो होगा तो हीट डिसिपेशन तो होगा ना. हीट डिसिपेशन होगा तो पावर कंजम्पशन ज़्यादा होगा. इज इट क्लियर? कॉस्ट बढ़ रही है लेकिन आइडियली थोड़ा बिहेव कर रहा है. जहाँ ज़रूरत है वहाँ यूज़ कीजिए. किसी भी चीज़ को हमेशा कंपैरेटिव टर्म में देखो. फैन है, उसका अपना यूज़ है. एसी है, उसका अपना यूज़ है. ऐसे आंसर आपको इंटरव्यू में देने चाहिए. हर चीज़ को आप आउटराइटली रिजेक्ट नहीं कर सकते. इट इज़ अ बेटर, इसीलिए यही यूज़ होगा, दूसरे का कोई यूज़ ही नहीं है, राइट? अगर ऐसा होता ना तो हर जगह एक हाई लेवल की चीज़ें चलती, लोअर लेवल में कोई चीज़ नहीं आती, ओके? वो सब कुछ बैलेंस करना होता है, कॉस्ट देखनी होती है, ओके? तो ये है सब कुछ इसके बारे में. देन नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इंटीग्रेटर एंड डिफरेंशिएटर एंड ऑल पास फिल्टर. तो अब देखते हैं हम लोग. तो आप हमारा ये लेक्चर आपको कैसा लगा, आप फीडबैक दीजिए, आप हमें बताइए, ओके? आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल है. हिट कीजिए बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन अबाउट द न्यू वीडियोस ऑन यूट्यूब. अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए. ये हमें मोटिवेशन देता है और हमें इंस्पायर्ड करता है कि कुछ हम अच्छे वीडियोस आपके लिए लेकर आए, ओके? और अगर आपने मन बनाया है अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करने का तो कोड यूज़ कीजिए, दैट इज़ राठी लाइव, एंड गेट द 10% डिस्काउंट. थैंक यू एंड गुड लक.